आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जहां पे हर संडे में आप लोग के सवालों के जवाब दिल खोल के देने की कोशिश करता हूं। और यही डायलॉग मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी दिल खोल के मुझसे पूछते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी सवाल करना है, इस वीडियो के नीचे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले संडे आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। काफी सारे यूनिक सवाल मैंने उठाया, वैसे बहुत सारे कॉमन सवाल थे, रियलमी 3 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो, 5G, स्नैपड्रैगन 675 वर्सेस 710, ये कैमरा सेंसर वगैरह वगैरह, तो वो सारे मैंने लिया। अगर आपका नाम नहीं आता तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपके सवाल यहां पे कवर हो जाएगा। वैसे यहां पे मैं सोच रहा हूं कि हर संडे में अपने क्वेश्चन और सीरीज में एक गिव अवे रखूं, मतलब जैसे कि आज गिव अवे किया, नेक्स्ट संडे अनाउंस, फिर गिव अवे किया, फिर उसके नेक्स्ट संडे अनाउंस। यहां पे पोल देता हूं, आप मुझे बताओ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मजा आएगा। यहां पे सबसे पहला सवाल ले लेते हैं और वो आ रहा है वीरामणि अरुमुगम, उन्होंने ये पूछा है कि भाई ग्लोबल वर्जन का फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं क्या, फॉर एग्जांपल रेडमी नोट 7 प्रो, अगर उनको चाइना वाला जो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, अभी हुआ है क्या, नहीं अभी टाइम है, तो अगर आप लेते हैं कोई भी ग्लोबली कोई भी फोन लो तो आपको मिलता है। मेरे पास मी नोट 3 है, रेडमी नोट 3 नहीं, मी नोट 3 चाइना वाला जो आप देखेंगे ये वाला है, इसमें अभी भी मुझे अपडेट्स मिल रहे, तो हाँ मिलता है, कंपनी पर डिपेंड करती है, अगर वो पुश करती है तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज है। रजनी चौधरी बोलते हैं कि क्या आपको गोल्डन प्ले बटन मिला, आप अपना इंट्रो और बैकग्राउंड म्यूजिक कब चेंज करोगे। बैकग्राउंड और म्यूजिक के लिए इतने लोगों ने मुझे बोला ना, एक्चुअली मुझे ढंग की म्यूजिक नहीं मिल रही, और उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बार बार चेंज नहीं करना है ना, एक बार अच्छी चीज रखना है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। अब देखते हैं कि अगर मुझे अच्छी म्यूजिक मिलती, इंट्रो मिलता, तो मैं जरूर से चेंज करूंगा। और गोल्डन प्ले मैंने अप्लाई कर दिया हूं, मुझे ईमेल भी आया था कि आपका वो बटन गोल्डन प्ले बटन निकल चुका है, आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। यहां पे अक्षय गनिका बोलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 megapixel इन Realme 3 एंड 5 megapixel इन M30 बुके मोड, उनका यही एक सवाल है और उन्होंने पूछा दोनों में से कौन सा बेटर है। बहुत सारी कंपनीज अभी 13 के साथ 2, 12 के साथ 2 मेगापिक्सल का चिपका देते हैं, और बहुत सारी कंपनीज 13+5 या 12+5 का आपको कैमरा देती है, तो सेकेंडरी कैमरा होता है वो किस में बेटर मिलता है। देखिए मेगापिक्सल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो 2 मेगापिक्सल से ऑब्वियसली 5 मेगापिक्सल बेटर होगा, लेकिन सेकेंडरी जो कैमरा होता है ना, भैया जितने भी मैंने देखा उनमें ज्यादातर सब में सेम एपर्चर होता है f2.2, तो उसमें कोई मायने नहीं रखता, बुके उतना ही मिलेगा जितना उसने एपर्चर आपको दिया, लेकिन डेप्थ आपको थोड़ा बेटर मिलेगा 5 मेगापिक्सल में कंपेयर टू 2 मेगापिक्सल में, ये कॉमन सेंस है, ये तो देख के पता चल जाता है, तो यही एक डिफरेंस है, जो 5 मेगापिक्सल वाला थोड़ा सा बेटर है अगर आप उसको 2 मेगापिक्सल से कंपेयर करते हैं। गुलाम कादरी बोलते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम, और उनका सवाल ये, सर मत बोलो, उन्होंने सर बोला है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने पूछा है Qualcomm ने अनाउंस किया 675 में 192 मेगापिक्सल कैमरे का सपोर्ट, सेंसर का सपोर्ट, तो क्या रोड 7 प्रो में मिलेगा, क्योंकि उसमें भी 675 का। अच्छा सवाल किया आपने, देखिए डिपेंड करता है ये कंपनी के ऊपर है, वो लोग देते कि नहीं देते, क्योंकि ज्यादातर देखिए सॉफ्टवेयर का भी खेल होता है, ऑप्टिमाइजेशन का भी खेल होता है। अभी नोट 7 में तो वैसे कहीं पे भी 48 मेगापिक्सल के कैमरे का सपोर्ट नहीं मिलता है इंडियन वर्जन में, चाइनीज वर्जन में मिलता है, लेकिन अभी ऐसी खबर आई थी कि नोट 7 इंडियन वर्जन में भी 48 मेगापिक्सल के कैमरे का एक मोड मिलेगा, तो वो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। नॉर्मली भी अगर आप कोई फोन देखते हैं, रेडमी नोट 7 प्रो का भी अगर नॉर्मल देखते तो वो 12 मेगापिक्सल वाला, लेकिन उसको जब 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे को इनेबल्ड करते तो वो पिक्सल बाइंडिंग वाला खेल करके जो भी आपको वो देता है उसकी क्वालिटी, तो हो सकता है सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर चाहे तो दे सकता है, कुछ हार्डवेयर में भी वैसे ताकत होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे एबीडी लेजनर जो है, इन्होंने काफी लंबा सवाल किया और मैंने इनका सवाल इसलिए लिया क्योंकि काफी गौर करने वाला सवाल है, सवाल नहीं है, मतलब उन्होंने बस खाली एक चीज बताई अपने बारे में कि भाई वो लाइफ में फेल हो गए, 50-40-50-45% आया बोर्ड में और बहुत घर वाले परेशान है और खुद भी फेलियर फील करते हैं वगैरह वगैरह। देखिए आप लोग एक चीज, मैंने वैसे अलग से इनका सवाल पढ़ के सोचा और मैं सोचा कि इनको जवाब दूं कि भाई देखिए कोई फेलियर नहीं होता लाइफ में, हर आदमी जो है वो सीखता है अपनी गलतियों से, मैंने भी बहुत गलती की, यूट्यूब में भी आके मैंने सीखा और मैंने इंप्रूव किया, लेकिन आपसे मैं एक ही चीज कहता हूँ, बड़े बड़े लेवल पर जो आज लोग बैठे हैं ना, वो स्ट्रगल करके बैठे हैं, पहले दिन से ही कोई एप्पल का सीईओ नहीं बना, पहले दिन से ही कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ नहीं बना था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जो वो ड्रॉप आउट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ना या समथिंग कुछ लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने कभी, स्टीवन हॉकिंस देख लो जो सबसे बड़े साइंटिस्ट जो अभी उनकी डेथ हुई थी, उनको 20 साल के बाद या समथिंग उम्र में डॉक्टर ने बोला था कि नहीं बचेंगे, कोई इमेजिन कर सकते हैं इतने साल जीने के बाद वो वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। आपको पैशन, एक मोटिवेशन की जरूरत है, आप जाइए YouTube पे बहुत मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, हारो मत लाइफ में, हारने से कुछ नहीं होगा, आप मतलब फिर खत्म होगी आपकी लाइफ, आपको फाइट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, अपने अपने हौसला रखो। सीजन ट्रेलर पूछते हैं कि व्हाट एपर्चर इज परफेक्ट टू मेक कैमरा और व्हाट इज आयर ब्लास्टर, दो सवाल पूछ लिया आपने, तो
एपर्चर जितना लो हो उतना बेटर होगा, उतना लाइट ज्यादा वो कैप्चर करेगा। मेरे हिसाब से एपर्चर का यही एक खेल है जो मैं आपको समझा सकता हूँ, जितना लो उतना बेटर आपको कैमरा मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा उनका सवाल है कि व्हाट इज आयर ब्लास्टर। आयर ब्लास्टर यानी कि इंफ्रारेड ब्लास्टर। अब आयर ब्लास्टर जो है वो Xiaomi के फोन में अक्सर आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, और बहुत ही कम कंपनी ऐसी जो देती है, लेकिन Xiaomi तो ज्यादातर देती है। अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो चीज आपके घर में रिमोट कंट्रोलर से ऑपरेट होती है, जैसे कि टीवी है, एसी है और जो भी चीजें हैं, तो आपके आयर ब्लास्टर वाले फोन में एक एप्लीकेशन होता है, अगर नहीं भी होता तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें सारे चीजों को आप अपने उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जो वो यूज कर सकते हैं। तो उसमें एप्लीकेशन डालती है, ये रिमोट कंट्रोलर बन गया और आयर ब्लास्टर के द्वारा आप उसको चला सकते हैं। तो टीवी का रिमोट अगर नहीं मिल रहा है तो मोबाइल से चला लिए, एसी का रिमोट नहीं मिल रहा है तो मोबाइल से चला लिए। तो आयर ब्लास्टर बहुत ही यूजफुल होता है, तो ये कुछ चीज आपको आयर ब्लास्टर हेल्प करता है। यहाँ पे मोनोजीत मन्ना बोलते हैं कि विच इज बेटर जीपीयू, माली और अड्रीनो, और फोन्स गर्म क्यों होते हैं, व्हाई आर फोन्स आर हीटिंग नहीं शायद हीटिंग होगा। तो देखिए जीपीयू के मामले में अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहूँ तो अड्रीनो के बेटर होते हैं, लेकिन माली वाले भी बेटर होते हैं। अभी देख लीजिए P70 का जो है G7 2023 कितना बेटर है, मैंने 660 से कंपेयर किया फुल वर्जन से, परफॉर्मेंस तो दोनों में बहुत ही बेटर आपको देखने को मिली थी। अब फोन्स हीट क्यों होते हैं, ये भाई डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन मैंने जो कंपेरिजन किया था 660 के अड्रीनो वाले से और P70 के माली वाले से, तो रियलमी 3 थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो रहा था 660 वाले से। तो इसमें देखिए ऑप्टिमाइजेशन भी का भी खेल होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर अगर कूलिंग सिस्टम होता है तो उससे भी आपके फोन में हीटिंग से हेल्प होती है। तो यही एक तरीका है जो मैं आपको सही तरीके से समझा सकता हूं। टेक टॉक्स बोलते हैं कि आई वांट टू परचेस अ न्यू फोन और माय बजट इज 20K, सो व्हिच वन शुड आई बाय, पोको F1, सैमसंग A50, ऑनर प्ले। तीन ऑप्शन है। देखिए भाई पोको F1 अभी बहुत पुराना हो गया है, हालांकि फोन काफी अच्छा है, और ऑनर प्ले भी काफी पुराना हो गया है। अगर आप सैमसंग लवर हो तो मैं A50 रेकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आपको Xiaomi के पोको वाला फोन चाहिए तो आप वेट करो, पोको F2 आपको अप्रैल में देखने को मिलने वाला है। तो यही एक मैं सजेशन देता हूं, 20,000 रुपए थोड़ा थाम लो, थोड़े पैसे और जमा कर लेना, काम आएगा, लेकिन पोको F2 का इंतजार करो। सौरभ चंदा बोलते हैं Snapdragon 675, 710 और 712 व्हिच इज बेस्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। तीनों में से बेटर है 675, इसमें क्रायो 460 वाला आपको कोर मिलता है, 710 में क्रायो 360 वाला मिलता है, 712 में भी क्रायो 360 वाला मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा क्लॉक्ड है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर, 710 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर है। उसके अलावा यहाँ पे 712 के अंदर आप लोगों को 10% इंप्रूवमेंट मिलती है जीपीयू में, 710 से अगर आप उसको कंपेयर करते हैं। 675 को ऑप्टिमाइज किया गया तो उसका जीपीयू थोड़ा सा बेटर है, उसमें लोडिंग टाइम ये वो सब आपको फास्ट मिलता है। ओवरऑल तीनों में से 675 बेटर है। हजम नहीं हो रही बात लोगों को कि 712 से बेटर है, लेकिन हाँ 712 से बेटर है, यही एक मैं आपको सवाल का जवाब दे सकता हूँ। आशीष चौहान बोलते हैं कि Redmi Note 7 Pro ले लूँ, Realme 3 Pro का वेट करूँ। इतने सवाल के मैं आपसे क्या बताऊं। Redmi Note 7 Pro के लिए अगर मिलता है तो ले लो, अच्छा फोन है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वेट कर लो Realme 3 Pro का, अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद आपको देखने को मिल सकता है। माधव शेट ने इतनी बातें करी है तो देखते ना भाई इस फोन में क्या मिलता है, क्या प्रोसेसर होता है, फास्ट चार्जिंग होती है और उसके अलावा क्या होता है, कैमरा कितना अच्छा देता है, थोड़ा सा वेट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है, उसके बाद ही आप डिसीजन ले लेना। यहाँ पर रंजीत कुमार जी पूछते हैं कि आप भाई आपके यूट्यूब कब स्टार्ट किया था, बहुत ही डिफिकल्ट आपके लैंग्वेज होते हैं। मैंने यहाँ पे यूट्यूब 2015 में शुरू किया था, शायद फेब के आसपास, लेकिन मैंने काम करना 2016 से स्टार्ट किया था। मैंने चैनल तो बना दिया था, एक साल तक मैंने सिर्फ एक वीडियो डाल के छोड़ दिया था। मैं रेगुलर था 2016 से, तो अभी मुझे 3 साल हो गया है। मेरा 0 to 1 million की कहानी वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। समीर जैन बोलते हैं कि Redmi का Snapdragon 850 वाला फोन कब तक आएगा। अरे बात तो किए थे उन्होंने, यहाँ पे एक मीटिंग उन्होंने करी थी जिसकी लीक्स निकल कर आई थी, मैं अपने टेक्निक्स में अक्सर आपको बता देता हूँ, लेकिन हाँ Redmi अभी अलग ही सब ब्रांड बन गया हो, तो वो अपना एक 855 वाला फोन लेके आने वाला है, स्नैपड्रैगन 855। अब वो 20-25,000 के बीच में भी प्राइस होने वाली, ये भी पता चल रहा था, लेकिन हाँ आएगा, अब मुझे नहीं पता कभी आएगा लेकिन जरूर आएगा। यहाँ पे सुमंत गौडा बोलते हैं, पहले तो उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार। उनका सवाल काफी लंबा, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। Redmi Note 7 Pro 675 के साथ में आता है जो प्रॉपरली अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने गेमिंग में बता दिया था Asphalt 9 लैग करता है। उन्होंने बोला है नोट 7 जो है उसका लाइटर वर्जन जो है उसमें 660 फुल वर्जन है, तो वो क्या बेटर है क्योंकि वो ऑप्टिमाइज हुआ है प्रॉपरली। तो क्या आप नोट 7 के 660 वाला फोन रेकमेंड करेंगे या नोट 7 प्रो रेकमेंड करेंगे? देखिए अगर ऑप्टिमाइज कर देते 675 तो फिर तो भाई बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। दूसरी चीज उसमें सोनी वाला कैमरा मिलता है, उसके अलावा भी आपको एक बहुत ही बेटर कैमरा उसमें जो वो देखने को मिल जाता है। तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है उस फोन में जिसके लिए मैं आपको वो फोन रेकमेंड करता हूं, लेकिन बजट अगर आपकी 10,000 के नीचे है तो फिर आप Redmi Note 7 लो, परफेक्ट फोन आपको मिलता है। इनामदार रहो बोलते हैं कि भाई 35,000 रुपए तक का कौन सा DSLR बेस्ट है। देखिए यार अगर आपको किस लिए चाहिए आपने ये भी नहीं बताया, फोटोग्राफी के लिए चाहिए या आपको वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, तो मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत 5-6,000 रुपए डाल दो। मेरे पास जो वो Canon 200D है जिसमें ऑटो फोकस वाला फीचर मिलता है इस प्राइस में, तो अच्छा है, अच्छा चल रहा है, और
अगर आपको फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो सोनी वाला कैमरा लेना, उससे बेटर फोटो के लिए आपको कोई कैमरा मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो अथर्व बोले बोलते प्लीज टेल मी विच फोन इज बेस्ट, रेडमी नोट 7 प्रो ऑनर प्ले, बिकॉज बोथ आर नाउ अंडर 15K। दोनों ही फोन अच्छे पर ऑनर प्ले थोड़ा पुराना हो गया ना, रेडमी नोट 7 प्रो थोड़ा सा नया है, तो मैं नई चीज़ें लोगों को रेकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें फीचर भी अच्छे, इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए बद्दा भी फोन है तो रेकमेंड कर दूंगा, नहीं, रेडमी नोट 7 प्रो बेटर है, तो मेरे हिसाब से आप वो वाला फोन जाके ले सकते हैं। यहाँ पे फॉलोवर्स ऑफ फन का सवाल काफी लंबा है, मैं छोटे में आपको समझा देता हूँ। उन्होंने कहा कि स्नैपड्रैगन 855 वाला जो प्रोसेसर है ये 5G रेडी है, जब इसमें X50 वाला मॉडल लगा देंगे तो इसमें 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। तो P90 वाला जो प्रोसेसर है ये 5G रेडी नहीं है, तो क्या इसमें भी X50 मॉडल लगाने से आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा? आपके सवाल ऐसे लोगों के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मीडियाटेक का खुद का 5G का है मॉडेम जो उन्होंने अभी MWC में अनाउंस किया था, मैं भूल गया था उनके बूथ पर जाने के लिए, तो वो वाला जो प्रोसेसर है अगर वो P90 में लगाएंगे तो वो कंपेटेबल होगा, क्योंकि कंपेटेबिलिटी की भी एक चीज़ होती है, क्योंकि ये जो स्नैपड्रैगन वाला जो 55 वाला प्रोसेसर है उसमें कंपेटेबिलिटी X50 वाले मॉडेम की है, तो वो उसमें चलता है। अब किरिन का जो 980 वाला जो प्रोसेसर उसमें उन्होंने बालोंग अपना खुद का लेके आया 5G मॉडेम, तो वो उसमें डालेंगे तो चलेगा। तो मीडियाटेक ने भी खुद का लाया, तो जरूरी नहीं आपको X50 वाला लगाना है, मीडियाटेक वाला भी 5G डालेंगे तो P90 में चल जाएगा, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस लॉर्ड 375 अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के बाद आप रिव्यू यूनिट का क्या करते हैं, क्या रिव्यू यूनिट कंपनी को वापस ले लेती है? इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया था, बहुत बार समझाया था। देखिए डिपेंड करता है, कभी कभी कंपनी हमें दे देती है, कभी कभी कंपनी ले लेती है, और आपको मैंने पहले बताया था कि स्पॉन्सरशिप होती है हम पैसे भी लेते हैं, ये सब मैंने खुल के बोला था, मैं छुपाता नहीं कोई बात। तो अगर पैसे लेते हैं तो कभी कभी कंपनी खुशी से बोलते फोन भी रख लो, कभी कभी पैसे लेते कंपनी बोलती नहीं फोन वापस देना पड़ेगा, तो हमको वापस देना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो यही कुछ सीन है, उससे ज्यादा मैं और आपको क्या बताऊं। शौविक मित्रा बोलते हैं कि अंडर 12,000 विद स्मार्टफोन शुड आई बाय? उनकी मेन प्रायोरिटी गेमिंग, बैटरी, कैमरा, डिसेंट डिजाइन, स्क्रीन रेजोल्यूशन, सब कुछ तो आपकी मेन प्रायोरिटी है। तो भाई रेडमी नोट 7 बेस्ट है, फुल HD की डिस्प्ले आपको मिल जाएगी जो आप बोल रहे थे यहाँ पे, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे ठकुर रमन सिंह बोलते हैं कि रियलमी 3 प्रो में पंच होल कैमरा होगा क्या? और सवाल आपने वैसे काफ़ी अच्छा किया, लेकिन मुश्किल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या पता रियलमी कुछ नया कर दे इस बार रियलमी 3 प्रो के साथ, वो पंच होल आपको डिस्प्ले दे दे जो बहुत ही कम फोन में आपको आज मार्केट में मिल रहा है। उन्होंने बोला था वेट फॉर इट, तो अगर ऐसा है तो भाई अच्छी बात है, वेट करते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है। पार्थ राव बोलते हैं कि विच इज बेस्ट, किरिन 970, 675 या 712? भाई देखो 970 फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो हमें पिछले साल देखने को मिला था, उसके बाद 675 है, उसके बाद आपको 712 मिलते हैं, ठीक है। सुहास सुतर बोलते हैं कि व्हेन पोको F2 विल लॉन्च एंड व्हाट फीचर विल एंड प्रोसेसर विल इट हैव? इतने सवाल, और इस पर लाइक भी देख लो, इतने सवाल, पोको F2 में क्या बताऊं। लेकिन कल के या परसों के टेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि सरप्राइज दे दिया था कि भाई पोको F1 लाइट आ सकता है, क्योंकि वो गीक बेंच पर लिस्ट हुआ था। तो क्या पता ये लोग क्या कर रहे हैं, भाई पोको F2 के लिए हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और इसमें ये भी खबर आ रही है कि पोको F2 में 855 वाला प्रोसेसर नहीं होगा, बल्कि वही सेम 845 होगा, बस थोड़ा सा कैमरा बेटर मिलेगा, डिस्प्ले डिजाइन थोड़ा ऑप्टिमाइज करके देगा। अब पोको F2 कभी अप्रैल के महीने की बात हो रही है, अगर आता है तो आएगा, आपको जरूर से बता देंगे। यहाँ पे धीरज वर्मा बोलते हैं कि प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लेना, आपके तरफ से क्या लगता है सैमसंग S10 प्लस एक परफेक्ट डिवाइस है और कैमरा कंपैरिजन लाना? देखिए अगर आप सैमसंग लवर है और फ्लैगशिप फोन पहले सैमसंग के यूज किए तो आप इसको अपग्रेड कर लो, बहुत ही जबरदस्त फोन है, नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बढ़िया फोन है। अगर आप सैमसंग लवर नहीं है, पहले कभी सैमसंग की फ्लैगशिप फोन नहीं उसके, तो एक बार ले लो, ट्राई करो, निराश नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहा हूं मैं, निराश नहीं होंगे, फोन बढ़िया है, डिस्प्ले कमाल का, बिल्ड भी बहुत ही जबरदस्त है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, कैमरा सुपर्ब है, और प्रोसेसर तो भाई एक्सिनोस 920 हर एंगल से एक फ्लैगशिप फोन है, फीचर्स कमाल के मिलते हैं, तो आप ले लो, बेस्ट है। मुबारक हुसैन बोलते हैं कि गूगल पिक्सल लाइट कब तक आएगा? भाई देखिए अभी कुछ नहीं पता, पिक्सल लाइट अभी ऑफिशियली नाम भी साइट से हट गया, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले टेक्नोस में बोला था कि Pixel 3a और Pixel 3a XL करके नाम आ सकता है, जो XDA डेवलपर्स द्वारा कंफर्म्ड हुआ था, तो शायद से ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कितना जल्दी वो लोग लॉन्च करेंगे। टीचर ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस, क्या बात है, मुझे भी सिखा दो थोड़ा, लव यू, थैंक यू। और उन्होंने पूछा मैक्स M2 यूज कर रहा हूँ, अब भाई अपडेट कब आएगा? अभी उन्होंने ट्विटर पर एक ऑफिशियली एक वीडियो डाल दिया है, मैक्स प्रो M1, मैक्स प्रो M2 और मैक्स M2 15 अप्रैल के पहले आपको पाई अपडेट तीनों में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बीटा रजिस्ट्रेशन चालू करिए तो उसमें मत जाओ, पाई अपडेट ऑफिशियली 15 अप्रैल के अंदर आपको ASUS के सारे फोन्स के अंदर मिल जाएगा, जितने मैंने आपको बताया उनमें। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज, अगर आपको पसंद आई तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना, नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझसे सवाल करना और वोट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।